खुद भी अंदर से कौन से जिंदा है। अब जो जंग होगी आखिरी जंग होगी। हम जरूर जीतेंगे स्टीव। हेलो गाइस, वेलकम टू दी जिमडी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 के ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में। तो ये कैटेगरी आपको काफी डिफरेंट दिखने वाली है। अगर आप मेरे नए यूजर हो और पुराने यूजर हो तो आपको पता होगा कि शॉट बाय शॉट कैटेगरी क्या होती है। इस कैटेगरी में मैं आपको पूरा ट्रेलर एक्सप्लेन करूंगा फ्रेम बाय फ्रेम और आपको सीन बाय सीन पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या ट्रेलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रेलर को। बट उससे पहले एक बड़ी स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इसमें मैं काफी सारी चीजें रिवील्ड करने वाला हूँ। अगर आपको स्पॉइलर पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, पर आप मार्वल ट्रू फैंस हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इवेंट स्टार्ट होता है 2018 से, जिसमें कि हमारे आधे सुपर हीरो लड़ने जाते हैं थैनोस की सेना से, यानी कि आउटराइडर। बीच में होती है एंट्री थॉर एक्टर की, यानी कि वो अपना थोड़ा लेके वकांडा में सीधे एंटर करता है। जो कि लड़ता है वो डायरेक्ट थैनोस से। थैनोस को वो हरा देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। पर यहाँ पे थैनोस थोड़ी चालाकी दिखाता है। वो अपने स्नैप द फिंगर का यूज करता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसका गॉटलैंड काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर फाइनली वो टाइटन 2 प्लेनेट पे पहुंचता है, यानी कि उसका होम प्लेनेट, जहाँ पर वो बचपन में पढ़ा लिखा और अपने फादर के साथ रहा। वहाँ पे वो खेती करता था और देन जैसा वो चाहता था उसके साथ वैसा ही हुआ। थैनोस खुश था टाइटन 2 प्लेनेट पर, क्योंकि उनने पूरे यूनिवर्स को हाफ कर दिया। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि थैनोस काफी ज्यादा परेशान है। वो यहाँ पे इस सीन में लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है और उसका डैमेज काफी ज्यादा हो गया है गॉटलैंड। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग होता है, यानी कि स्नैप द फिंगर पर असर पड़ता है एंटमैन। एंटमैन यहाँ पे क्वांटम रियल में फंस जाता है। अब एंटमैन यहाँ पे बाहर कैसे आया? तो यहाँ पे कुछ फैन थ्योरीज है। यहाँ पर वो वोर्टेक्स का यूज करके आया, जो कि एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं, या फिर उसे आजाद करवाया है गोस्ट ने, या फिर गोलायथ ने, या कैसी लैंग ने। आप इन तीनों कैरेक्टर को जानते हो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर 28 दिन बाद सीधा आता है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में यहाँ पर कोई भी लोग बसते नहीं है और यहाँ पर बचे होते हैं हमारे ब्रूस बैन और कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो। यहाँ पर हमारा एंटमैन आजाद होने के बाद एक साल बाद, दो साल बाद कंटिन्यूस आता जाता है, फिर भी वहाँ पे कोई नहीं मिलता। और यहाँ पे ब्रूस बैनर चेक कर रहा होता है कि कौन कौन से सुपर हीरो बचे हैं जिनको हम अपनी टीम में शामिल करें। फिर उसके बाद स्कॉट लैंग दोबारा आता है। जी हाँ, क्योंकि स्कॉट लैंग हर बार आता था और निराश होकर चला जाता, क्योंकि उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता था। हेडक्वार्टर पूरा खाली बंजर पड़ा होता था, क्योंकि सब लोग वहाँ पे मर जाते थे। सिर्फ सिंपल कैप्टन अमेरिका और कौन लोग बचे हैं वो आपको पता ही है। देन यहाँ पर ब्रूस बैनर भी अपनी परेशानियों से काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वो हल्क नहीं बन पाए और उनके चक्कर में आधे से ज्यादा लोग मारे गए। और यहाँ पे पीटर पार्कर शुरी की भी फोटो थी, पर वो भी मर चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट सीन ये वाला है। आप देखो कि स्क्वायर में सेकंड नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखी है वीडियो नंबर 8, यानी कि 8 बार स्कॉट लैंग आ चुका है और ये वीडियो है नंबर 9। और पीछे बैन खड़ी है जो कि टाइम ट्रेवल की है, और सर्कल में बना हुआ है आर्चीव, यानी कि ये सारी वीडियो रिकॉर्ड होकर एक स्टोरेज में जाती रही। यानी कि स्कॉट लैंग 8 बार करीब आ चुका था हेडक्वार्टर में। कैप्टन को ये बात तुरंत पता चलती है और स्कॉट लैंग सीधे नीचे खड़ा होता है। कैप्टन फिर बैठ के मीटिंग करते हैं, देन स्कॉट लैंग को बताते हैं कि सब मर चुके हैं, हमारी फैमिली खत्म हो चुकी है, हमारे दोस्त मर गए, अब हमें आगे क्या करना है। तुरंत यहाँ पे थॉर भी सामने हमें दिखाई देता है। थॉर की यहाँ पर आंख थोड़ी डिस्टर्ब होती है, अगर आपने नोटिस करा होगा, क्योंकि वो अलग भाग रही होती है। फिर फाइनली ये सब फैसला करते हैं कि हमें अपनी टीम इकट्ठी करनी है कैसे भी करके। तो यहाँ पर कैप्टन अपने नए सूट में देखते हैं, जो कि विंटर सोल्जर का सूट होता है, और यहाँ पर पेगी कार्टर का छोटा सा हमें कैमियो टाइप का दिखाई देता है, जो कि वो उसे मोटिवेशन लेते हैं कि हाँ, हमें दुनिया को बचाना है, ये लास्ट लड़ाई होगी, पर इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर हमें एक छोटा सा हिंट मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर थैनोस एक स्नैप द फिंगर का दोबारा यूज करेगा, जो कि कैप्टन इस बात को रिवील कर रहे हैं। और कैप्टन ने यहाँ पर अपनी शेविंग भी कटवा ली है, यानी कि वो पहले जैसे हो चुके हैं जैसे विंटर सोल्जर में थे। फाइनली ब्लैक विडो रोनिन को ढूंढ लेती है, यानी कि हॉकआई को, और यहाँ पर वो चौंक जाती है कि ये ऐसा बन क्यों गया। तो फाइनली इसका कारण बताया जा रहा है कि या तो उसकी फैमिली स्नैप द फिंगर में मारी गई, और वो जापान या हांगकांग सिटी में क्यों आया, क्योंकि एक रीजन हो सकता है कि वो काफी ज्यादा दुखी हो गया हो और वो अपने मेन विलेन को ढूंढ रहा हो। बट थैनोस मेन विलेन है, आप सभी जानते हो, और यहाँ पे हॉकआई ने सबकी ऐसी तैसी कर रखी है। और थैनोस और हॉकआई के बीच में क्या होगा अब इन फ्यूचर ही पता चलेगा। फाइनली ये हो जाती है यहाँ पे टाइमलाइन अर्थ की। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है टोनी की टाइमलाइन। तो यहाँ पे टोनी यानी टाइटन प्लेनेट से निकलकर नेबुला के साथ अंतरिक्ष में खो जाता है, क्योंकि उसका डीजल या पेट्रोल जो भी कहो, वो कोई भी लिक्विड यूज करते होंगे, वो सब खत्म हो चुका होता है। यहाँ पे नेबुला काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि इन लोगों को भी 28 दिन स्पेस में हो जाती है। नेबुला काफी ज्यादा परेशान होती है, टोनी से बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस तरीके से। ये मेरा मानना है, फैन थ्योरी मेरी।
फिर यहाँ पे टोनी कहता है इस वाली सीन में कि बस एक लास्ट दिन बचा हुआ है और ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी इमोशनल वाला सीन था। फिर फाइनली वो एक दिन भी खत्म हो जाता है और ये वो वाला सीन है जिसमें कि टोनी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, खाना पीना खत्म हो जाता है और उसके जो नैनो पार्टिकल्स का एक छोटा सा सीन होता है वो भी इस सीन में दिखाया गया है, जिसमें कि उसका एक हेलमेट बचा होता है और हेलमेट में जितनी भी बैटरी बची होती है वो उसका एक मैसेज रिकॉर्ड करता है पेपर के लिए और पेपर से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था और देन मैं पहला ऐसा बॉयफ्रेंड हूँगा जो इस स्थिति में मारा जा रहा हूँ। तो काफी दर्दनाक सीन है, पर फाइनली ये मैसेज सीधा पेपर को पहुंचेगा क्योंकि जैसे ही ये स्पेसशिप उसके रडार तक पहुंचेगी तो शायद एक रेस्क्यू आर्मर पेपर का तैयार हो जाए और वो उसे बचा ले या कैप्टन मार्वल बचा सकती है, क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर है थॉर और कैप्टन मार्वल जो स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं। पर पॉसिबिलिटी है कि पेपर भी सेट टोनी को बचा सके क्योंकि जो मैसेज रिकॉर्ड करा है वो सारे आर्मरों में एक ही मैसेज रिसीव होगा, ये आप आयरन मैन 3 में जाके देख सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम यही सीन दोबारा रिटर्न होने वाला है, तो काफी इंटरेस्टेड सीन है। और फाइनली यहाँ पर टोनी अपने हेलमेट का वो बटन बंद कर देता है क्योंकि ये उसका लास्ट डे होता है जिसमें ऑक्सीजन खाना पीना बंद हो जाता है। और फाइनली हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नजर आती हैं जिसमें कि हमें लोगो नजर आता है स्नैप द फिंगर वाला, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, जबरदस्त मजा ही आ गया इसे देख के। तो फिर फाइनली टाइटल पता चलता है एंड गेम, जिसमें कि लग रहा है कि हाँ ये कॉमिक से बिल्कुल इंस्पायर मूवी है और फाइनली स्टोरी भी आधी ज्यादा रिवील्ड होने वाली है। और फिर ऑफिशियल डेट कन्फर्म हो जाती है 26 अप्रैल और इंडिया में एक हफ्ते पहले रिलीज होगी। तो गाइस ये था वो ट्रेलर ब्रेकडाउन शॉर्ट बाय शॉर्ट कैटेगरी में, जिसमें कि मैंने आपको टाइमलाइन एक्सप्लेन करी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे कि स्कॉट लैंग ने इतने चक्कर काटे पर क्यों नहीं मिले कैप्टन हेडक्वार्टर में, काफी सारे सवाल थे। और टोनी के आगे साथ क्या होगा क्योंकि टोनी को भी 28 दिन हो चुके हैं, उसका खाना पीना ऑक्सीजन सब खत्म हो चुकी है, कौन बचाएगा टोनी को, कैप्टन मार्वल या फिर हमारी पेपर पॉट्स या फिर हमारा थॉर, क्योंकि वो ही स्पेस में सर्वाइव कर सकते 3 कैरेक्टर, एंटमैन कैसे आजाद हुआ। तो ये काफी सारे सवाल हैं जो कि हमें मूवी में देखने के बाद पता चलेंगे। और आपको पता चलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मुझसे कुछ मिस हुआ तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कैसा लगा अपडेट, तो कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर ब्लैक बटन पे हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।